Hi friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. आज हम आपको लेके जाएंगे अफ्रीका की लोकल सब्जी मंडी में. इंडियन फूड्स, टमाटर, पोटैटो कैसे कहाँ पे कहाँ मिलते हैं, उसके क्या प्राइस है, क्या दाम चलते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो चलिए हमारे साथ अफ्रीका की लोकल सब्जी मंडी में. आप देख सकते हो यहाँ पे मूली, गाजर, कैप्सिकम, मिर्चा, पूरा इंडियन सब्जी सब यहाँ पे मार्केट में देख सकते हो. भावताल चल रहा है यहाँ पे सब्जी मंडी के अंदर. जैसे जैसे सब्जी मंडी में औरतें भावताल करती है, ऐसे यहाँ पे इंजीनियर्स भावताल करते हुए देखिए. ये कितने का बोलते हुए और निचोड़ देंगे सब्जी वाले को. मतलब पूरी तरह से एक रुपया नहीं कमाने देंगे. मतलब इंडियंस वो भी साथ में गुजराती इंडियंस खत्म. मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलेगा उनको यहाँ से प्रॉफिट. ये ककुम्बर लेते हुए मुकेश भाई यहाँ पे ककुम्बर 3 ले लिए हैं, 4 ले लिए हैं. कितने सिपा में? 1000 सिपा. यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में बार्गेनिंग चल रही है. 2000 के 4500 मिनट. नो नो नो, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से निचोड़ते हुए यहाँ पे आप नहीं समझ सकते बार्गेनिंग क्या चल रही है. 1000 सिपा में 500 रुपए, 500 रुपए के जी. 1000 पापा ले फ्रांसे. 12,500 रुपए का सामान. ये इतना सा पूरा निचोड़ते हुए यहाँ पे देख सकते हो. ये नींबू डाल दिए है एक्स्ट्रा, जैसे औरतें लेती है ना हमारे यहाँ पे दाना मिलती है वैसे यहाँ पे इंजीनियर्स भी छोड़ते नहीं है. काजू एक पैकेट. मैं देता हूँ ना अदरक पड़ा है ना. बहुत सस्ते है फ्रेंड्स. अब अभी जान के अंदर काजू बहुत ही सस्ते है. सिर्फ 500 रुपए में एक के जी मिलते है. तो काजू हम हर वक्त लेके जाते हैं. यहाँ पे पूरी तरह से लूटते हुए मनोज भाई, बुकेश भाई 4000 रुपए में सौदा करते हुए. अच्छा पैसा 17,000 को डलवाया ना. 12,500. तो ये था फ्रेंड्स करीना मार्केट, यहाँ का सब्जी मार्केट, जहाँ पे इंडियन सब्जी ऑलमोस्ट सभी इंडियन सब्जी मिलती है. और इंडियन सब्जी जो इंडिया से लाई जाती है इसलिए थोड़ी महंगी होती है यहाँ पे, लेकिन वो नॉर्मल है. लेकिन आपको यहाँ पे हर तरीके की इंडियन सब्जी मिल जाएगी. टमाटर या पोटैटोस, भिंडी, आलू, जो भी आपको चाहिए सब्जी यहाँ पे मिल जाएगा. और यहाँ पे जो सब्जी वाले हैं वो भी आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, दोस्त की तरह बन जाते हैं आपके साथ. और बहुत ही अच्छी जगह है इंडियन वेजिटेबल्स खरीदने के लिए. तो करीना मार्केट, अगर आपको इंडियन वेजिटेबल खाना है तो करीना मार्केट एक बार ज़रूर आइए. चलिए मिलते हैं आगे. है यहाँ का फ्रूट मार्केट्स है. यहाँ पे अनानास काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मैंगोज, अनानास,
और यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, आप देख सकते हो। ये यहाँ का लोकल फ्रूट्स है एवोकाडो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ये इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो ये खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं केएफसी के अंदर। केएफसी के अंदर खाना खा के हम आपको लेके जाएंगे ब्रिंजल विला। तो आ गया हमारा केएफसी का क्रंची चिकन। चलिए पहले एंजॉय कर लेते हैं हमारा केएफसी। तो फ्रेंड्स चिकन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप अबिजान आइवरी कोस्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ का केएफसी का एक बार श्योर आपको टेस्ट करना चाहिए। बहुत ही, मैं उसको 10 में से 9 मार्क्स दूंगा ड्यू टू हाइजीन और टेस्ट के हिसाब से 10 में से 9। पहुंच चुके हैं ईडन बीच के अंदर। ये अफ्रीका का ईडन बीच है, आप देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ की रेत आप देख सकते हो, वाइट कलर की रेत है। अभी चंद से तकरीबन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये बीच है, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए हम घूमते हैं बीच के अंदर। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं ईडन बीच के अंदर। यहाँ पर समंदर के किनारे के ऊपर ईडन बीच है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हो और अपना दिन बिता सकते हो। पीछे जो है अटलांटिक का सी है, इसके एग्जैक्ट बाजू में से ये बीच स्टार्ट होता है। यहाँ पे खाने की काफ़ी अच्छी सुविधा है और छोटे छोटे यहाँ पे टेंट बनाया है समंदर के किनारे। तो आइए यहाँ पे ईडन बीच। बच्चे के खेलने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है और बड़ों के खेलने के लिए भी यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी गेम है। यहाँ पे कॉटेज में बैठ के भी आप खाना खा सकते हो और ओपन प्लेस पे भी खाना खा सकते हो, खेल सकते हो यहाँ पे। और समंदर के किनारे बैठ के भी आप अपना मील और फूड एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन की क्वालिटी आप देख सकते हो, फ्राइड चिकन है बहुत ही अच्छा, जो यहाँ की लोकल स्पाइसेस चटनी और सलाद और अचिके के साथ सर्व किया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे फूड की। तो यहाँ पे फूड काफ़ी अच्छा और टेस्टी है, देख सकते हो यहाँ पे। यारों जी भर के जील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझ गल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। यहाँ पे रूम भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर नाइट बिताना चाहो तो नाइट बिता सकते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। ये यहाँ रूम है फ्रेंड्स, इसका चार्ज है 15,000 सिफा एक दिन का, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। फ्रेंड्स आज का हमारा संडे हुआ ख़त्म। नेक्स्ट संडे हम आपको ले चलेंगे अफ्रीका की कोई और जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय।